वर्चुअल तालियों के माध्यम से मैं आमंत्रित करूंगा ग्रेट डायनामिक लीडर और राजस्थान एमसीएम श्रीमान रामनिवास जी सर को। सर यदि मेरी सर, आवाज आ रही है तो प्लीज यस वेलकम सर, सर, यस सर, वेलकम। यस सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश सर। सर मेरी आवाज आ रही है आप तक? यस सर, यस सर, ओके सर, मेरा स्क्रीन पूरा दिख रहा है अभी? यस सर, ओके, थैंक यू मुकेश सर, आपने मुझे इन्वाइट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत जबरदस्त तरीके से आपने मुझे यहाँ पर इन्वाइट कर, सब लोगों का आपने एक वेलकम किया। तो दोस्तों, आप सब लोगों को इस वर्चुअल स्टेज के माध्यम से मैं एडवोकेट रामनिवास सैनी का तहे दिल से प्रणाम और नमस्कार करता हूँ। और आज का, जैसे अभी मुकेश सर ने बोला कि आज का जो वेबिनार है, आज का जो प्रोग्राम है, 100% बहुत सुपर और बहुत जबरदस्त जाने वाला है। कारण कि आज के प्रोग्राम के अंदर कौन है, आज के प्रोग्राम के अंदर जिनकी अगर मैं बात करूं तो नेटसअप के वो डायरेक्ट सेलर हैं जो एक जुनूनी है, नेटसअप के वो डायरेक्ट सेलर हैं जो अपना करियर बनाने के लिए नेटसअप के अंदर हैं। तो ऐसे सभी नेटसअप के सभी डायरेक्ट सेलर का इस वर्चुअल प्रोग्राम के अंदर मैं रामनिवास सैनी तहे दिल से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और इस प्रोग्राम की मैं शुरुआत करूं दोस्तों, तो उससे पहले आप सब लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, और मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा क्योंकि सर्दी का टाइम, आप सब लोगों को मैं यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ कि सर्दी के अंदर कोई टोपा लगा के बैठा है, कुछ कोई ओढ़ करके बैठे हैं, कुछ जो है गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन आप सब लोगों का जोश और जुनून और आप एक्साइटमेंट लगता है कि यस, आज कुछ नया हम लोगों को मिलने वाला है कि हमें फील्ड पर जाकर के कैसे अपना प्लान प्रेजेंट करना है और क्या इनकम, कितना हम अपना पेआउट यहाँ से नेटसअप के माध्यम से, और विशेषकर इस क्वार्टर के अंदर, और विशेषकर अगर मैं बात करूं तो आज के इस वेबिनार के माध्यम से हम बना सकते हैं, आज सब आपको ये मिलने वाला है। दोस्तों, आप सब लोगों से मैं आपको ये बोलूंगा कि जहां पर आप लोग बैठे हैं बिल्कुल आप सुरक्षित रहें, सर्दी से बच करके रहें, और अपने मोबाइल को एक जगह स्टेबल कर दीजिए, और स्टेबल करके आप आराम से एक घंटा मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। और 100% मैं आपको बोलना चाहूंगा कि एक घंटा आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और 100% आपको मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि आज का आपने अगर इस पूरे प्रोग्राम को सुना तो बहुत कुछ इस महीने में हम जबरदस्त ब्लास्ट इस प्रोग्राम के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो आज का प्रोग्राम इतना ही सुपर, उतना जबरदस्त रहने वाला है। तो आप सब लोगों से मैं इस प्रोग्राम को शुरुआत करूं, आगे हम थोड़ा आगे चलना चाहूंगा कि आप सभी डायरेक्ट सेलर का वेलकम करता हूं, क्योंकि आज का प्रोग्राम मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, आज का प्रोग्राम केवल और केवल नेटसअप के सभी डायरेक्ट सेलर जिन्होंने अपना जीएसटी निकाल लिया है, जिन्होंने अपना जीएसटी या तो अप्लाई किया या अपडेट कर दिया, उन सब लोगों के लिए। आज का प्रोग्राम हमारा किसी कंज्यूमर के लिए नहीं है, क्योंकि हमारा कंज्यूमर का प्रोग्राम कल था जो बंसी जी सर ने लिया था। आज का प्रोग्राम केवल और केवल जो नेटसअप के अंदर अपना करियर बनाने चाहता है, उन सब लोगों के लिए, उन सभी एक्टिव डायरेक्ट सेलर के लिए यहाँ पर प्रोग्राम रखा है। तो आज सभी लोगों का एक बार पुनः इस वर्चुअल स्टेज के माध्यम से आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक घंटा बात करने वाले हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ, और सब लोग सुनते हैं यार रामनिवास जाते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा ये सहयोग की बातें करते हैं। 100% मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप लोगों का सपोर्ट जरूरी है, और सपोर्ट की मैं सबसे पहले यही बात करता हूँ कि आप एक जगह स्थिर होकर इस पूरे प्रोग्राम का आनंद लें, इस पूरे प्रोग्राम को समझें, और अपना मोबाइल का जो उसका वॉल्यूम म्यूट रखें। और क्योंकि कुछ लोग अभी मैंने देखा है कार में एक साथ बैठे हुए हैं, कुछ लोग ग्रुप में एक साथ बैठे हुए हैं, वो बीच में बातें नहीं करें, क्योंकि बातें आप करोगे आपस में तो बहुत सारी चीजें आपकी मिस हो सकती हैं। दावे के साथ बोलता हूं मैं कि बहुत सारी बातें आपकी मिस हो सकती हैं। तो आपको 100% इस पूरे प्रोग्राम को सुनना है, साथ में डायरी और पेन लेकर के बैठो, खाली हाथ मत बैठो, डायरी और पेन लेकर के बैठो, लिखने की जरूरत पड़े तो लिखो, क्योंकि हम ही वो लोग हैं जो पूरे नेटसअप को, अगर मैं बात करता हूँ अपने रीजन को, अपनी टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, हम ही वो लोग हैं जो अपनी टीम का लीडरशिप करते हैं, अपनी टीम को दिशा देने वाले लोग हैं। तो 100% आपके पास ये पूरा नॉलेज होना चाहिए, ये मेरा आप लोगों से कहना है। तो मैंने बोला कि आज हम नेटसअप के सभी डायरेक्ट सेलर आज यहाँ पर हैं, और नेटसअप के सभी डायरेक्ट सेलर एक ग्रोथ के लिए आज यहाँ पर हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं तो नेटसअप जिस गति से जो आगे बढ़ रहा है, नेटसअप मतलब अबाउट नेटसअप, जिस गति से जो नेटसअप आगे बढ़ रहा है, तो क्या है इसके पीछे कारण, नेटसअप की गति थोड़ा इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि अबाउट नेटसअप कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, तो क्या है नेटसअप, तो थोड़ा दोस्तों मैं आपको बोलना चाहता हूँ। नेटसअप की जो स्थापना आज से ठीक 21 साल पहले 2000 के अंदर नेटसअप की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, एक छोटे से वृक्ष के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, मतलब छोटा सा वृक्ष, मतलब 5 लोगों ने मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट के माध्यम से इस छोटे से एक वृक्ष की स्थापना की थी। ये वृक्ष फलेगा फूलेगा, बहुत कुछ सोच करके कि आने वाली पीढ़ियों को ये जो वृक्ष ये फल देने वाला है, ऐसी सोच के साथ इस छोटे से एक वृक्ष की स्थापना हुई थी आज से ठीक 21 साल पहले। लेकिन ये वृक्ष जिसकी मैं बात करता हूँ, आज धीरे धीरे करके एक स्पीड के साथ आगे बढ़ता जा रहा है, हर साल हर ये क्या 1 साल में या 2 साल के अंदर कुछ ऐसी चीजें इसके अंदर मतलब ऐड करता जा रहा है, जिसकी वजह से आज आप और हम सब लोग मिलकर के यहाँ पर अपना करियर बना रहे हैं। तो दोस्तों, आज आप इसके अगर बारे में बोलूं तो नेटसअप के बारे में आपको बोलना चाहूंगा कि जिस वृक्ष की स्थापना जो आज से 21 साल पहले हुई थी, उसके अंदर क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो उसके अंदर हर 1 या 2 साल के अंदर उसके अंदर ऐड होती जा रही है, और जिसकी वजह से ये वृक्ष, ये जो वृक्ष है, ये धीरे धीरे वट वृक्ष का रूप लेता जा रहा है, मतलब बड़ा होता जा रहा है, मतलब ग्रोथ करता जा रहा है, और इस ग्रोथ के साथ आप और हम सब लोग भी अपनी ग्रोथ को मैच कर रहे हैं, हम सब लोग भी ग्रोथ करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपना परिवार, अपना करियर यहां से बना रहे हैं, अपना परिवार यहां से चला रहे हैं। तो दोस्तों, मैं इसकी बात करूं, इस वृक्ष के अंदर जहां पर मैंने बोला कि 5 लोगों ने एक सिंगल प्रोडक्ट के माध्यम से शुरुआत की थी,
और वो जिस कंपनी में जो बात करता हूँ अजय बायोटेक, मतलब इस वर्ष का एक टहनी और निकली। और अगर मैं बात करता हूँ तो नेटसफ एंटरटेनमेंट, मतलब जो फिल्म फेयर अवार्ड जैसे जो इवेंट्स जो ऑर्गेनाइज करता है नेटसफ एंटरटेनमेंट। और अगर मैं और आगे बात करता हूँ और एक दो साल बाद के अंदर नेटसफ रिसर्च लैब, जहां पर हमारे प्रोडक्ट के ऊपर इसका डेवलपमेंट का काम होता है, जहां पर हमारे प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च किया जाता है, जहां पर हमारा प्रोडक्ट बनाया जाता है। और अगर मैं बात करता हूँ तो माई लैब, दोस्तों आप सब लोगों ने सुना होगा, इसके बारे में मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मतलब हर एक टीवी चैनल के ऊपर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और प्रिंट मीडिया के ऊपर जबरदस्त तरीके से प्रचारित हुआ था। हमारे सुजीत सर का खूब इंटरव्यू चला था कि माई लैब, जहां पर इसको मैं बोल सकता हूँ जो आरटीपीसीआर के तैयार करके दिया, जहां पर मैं बोल सकता हूँ कि पहला, मतलब इंडिया की पहली कंपनी जिसने घर में ही कोरोना की टेस्टिंग का एक 250 रुपए का किट, जिसको कोविशेल्फ के नाम से बोलते हैं, हम बाजार से लेकर के आएंगे, घर पे बैठ के हम कोविशेल्फ से अपना कोरोना का टेस्ट करेंगे और विद इन मिनट्स, मतलब 10 से 15 मिनट के अंदर आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। ये वर्क्स भी, मतलब इसकी टहनियां इसमें शामिल होती गई। और अगर मैं बात करता हूँ धीरे धीरे करके, यहाँ पर आप ये देख पा रहे हो यहाँ पर वो का नाम से, यहाँ पर इसमें डेयरी एंड फूड एंड बेवरेज के अंदर, मतलब ऑर्गेनिक ए टू मिल्क बनाने का काम, मतलब डेयरी मिल्क का जो काम यहाँ पर हमारी जो कंपनी कर रही है, मतलब खुद एक जैविक दूध बनाने का काम यहाँ पर चालू किया। और अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर वर्टिकल गार्डन, मतलब वर्टिकल गार्डन किस तरह से तैयार किया जाता है, एक और यहाँ पर इसमें एक टेनिस में शामिल हुई। और अगर मैं बात करता हूँ जिसका आप और हम सब लोग हिस्सा है, डायरेक्ट सेलिंग, मतलब नेटसफ नेटवर्क, दोस्तों जिस वृक्ष की जो मैं बात करता हूँ धीरे धीरे बड़ा होता होता, जो जब स्थापना हुई थी केवल एक छोटा सा वृक्ष था जिसका नाम था नेटसफ, और जैसे जैसे ये बड़ा होता गया, जैसे जैसे ये बड़ा होता गया, इसका नाम पड़ता गया ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब नेटसफ ग्रुप ऑफ कंपनीज। इस वर्ष कितनी शाखाएं फैल गई, इतनी जड़ें फैल गई कि चारों तरफ केवल और केवल एक ही नाम दिखता है कि नेटसफ ग्रुप ऑफ कंपनीज, नेटसफ ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो मैं ऐसा एक वृक्ष, ऐसा जो प्लेटफॉर्म इसका आप और हम सब लोग हिस्सा हैं, तो मैं आप सब लोगों को लिए बधाई, मैं तो अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ और आप सब लोगों को भी मैं बहुत लकी मानता हूँ कि हम सब लोग इसका हिस्सा हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और विशेषकर नेटसफ मैनेजमेंट को बहुत बहुत बधाई कि ऐसा प्लेटफॉर्म आज आप और हम लोगों को दिया। दोस्तों यहां पर मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नेटसफ जिस तरह से ग्रोथ ले रहा है, नेटसफ जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आज हमें ये चीज समझ में आती है कि नेटसफ की स्पीड क्यों बढ़ती जा रही है, अगर वो हमने समझा तो 100% मैं बोल सकता हूं कि नेटसफ की स्पीड के साथ हम लोग भी अपनी स्पीड को मैच कर सकते हैं। और आपको आज यही बात बताने के लिए आया हूं कि आज तक और अभी तक हमारे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, मेरे पास भी फोन आता है कि साहब अभी ये कुछ चेंजेज हुआ है, कुछ अभी नया आया है, तो हमें क्या करना है, कैसे करना है, हम कैसे अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो आज हम यही बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं जिस तरह से नेटसफ स्पीड ले रहा है, नेटसफ जिस स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है, इसके पीछे दोस्तों जो एक कारण जो आता है, उस कारण की मैं बात करता हूं। लेकिन इससे पहले मैं पिछले 5 साल का जो मेरा एक अनुभव है, वो अनुभव आज आप लोगों से शेयर करता हूं कि नेटसफ की जो स्पीड, थोड़ा उसको समझना जरूरी है। मतलब प्रैक्टिकल आंकड़ों के माध्यम से अगर आपने इस स्पीड को समझा तो 100% आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो मैं यहां पर सबसे पहले बात करता हूं नेटसफ का। यहां पर वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंदर नेटसफ ने अपना खुद का गोल फिक्स किया और 150 करोड़ का टर्नओवर किया। और अगर मैं आगे बात करता हूं तो 2016-17 और 17-18 के अंदर नेटसफ ने 177 करोड़ का टर्नओवर किया और नेटसफ आगे बढ़ा। मतलब हर साल नेटसफ ग्रोथ ले रहा है यहां पर। और आगे मैं बात करता हूं तो नेटसफ 2018-19 के अंदर नेटसफ ने 250 करोड़ का टर्नओवर किया और 19-20 के अंदर नेटसफ ने 325 करोड़ का टर्नओवर किया। और अगर मैं बात करूं तो आपके सामने जो आंकड़े जो मैं पेश कर रहा हूं, 2020-21 के अंदर नेटसफ ने 411 करोड़ का टर्नओवर करके नेटसफ हर साल एक स्पीड को मैच कर रहा है। मतलब इससे साबित क्या हो रहा है, मेरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैं आपको जो क्या बताना चाह रहा हूं कि जहां पर जो एक कोई भी कंपनी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जो हर साल एक ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा है, इट मींस क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस कंपनी का फ्यूचर बहुत सेफ है। थोड़ा इस बात को समझने की कोशिश करना, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जिनकी ग्रोथ यूं अप डाउन चलती है, जो कभी भी अंतिम, मतलब मेरा कहना है, मतलब अंतिम सांस ले रही होती है, कब उनके श्वास निकल जाएंगे, शरीर से इसके प्राण निकल जाएंगे, पता नहीं है। लेकिन मैं दोस्तों आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, इसको प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करना। आप यहां पर देख पा रहे हैं कि यहां पर 2020 और 21 के आंकड़े जो मैंने दिखाए हैं, 411 करोड़ का टर्नओवर नेटसफ ने किया। ठीक इससे 2 साल पीछे लेकर के आता हूं आपको, 17-18 के अंदर नेटसफ ने 170 करोड़ का टर्नओवर किया और ठीक 2 साल बाद, मतलब नेटसफ ने डबल स्पीड पकड़ी है। मतलब क्या हुआ, जहां पर नेटसफ 17-18 के अंदर 177 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है, वही टर्नओवर जाकर के 2 साल बाद में 20-21 के अंदर 411 करोड़ का टर्नओवर होता है। मतलब जस्ट डबल स्पीड नेटसफ ने पकड़ा है। दोस्तों आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो यहां पर 2 साल के अंदर नेटसफ डबल स्पीड कर रहा है, वही डबल स्पीड अभी इसी साल डबल होने वाली, मतलब इस वित्तीय वर्ष के अंदर हम डबल स्पीड से आगे बढ़ने वाले हैं, यानी कि नेटसफ डबल स्पीड के साथ आगे बढ़ने वाला है। हुआ क्या, आपके सामने आंकड़े आप देख पा रहे हैं, यहां पर 2021 और 22 के अंदर नेटसफ ने अपना गोल फिक्स किया कि हमें 750 करोड़ का टर्नओवर करना है। मतलब 2020-21 में 411 था, तो 2021-22 के अंदर हम 100% 750 करोड़ का टर्नओवर करके आगे बढ़ेंगे और ये दिखा देंगे यस हम जो इस स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, इसके पीछे जो इसका जो मुख्य जो कारण है, वो एक ही कारण है दोस्तों, और उसको मैं आज आपको बताना चाहूंगा, और वो है नेटसफ क्या है, लीगल है और इथिकल है। 100% नेटसफ का एक ग्रोथ लेने का मुख्य जो रीजन है वो यही है कि नेटसफ इथिकल कंपनी है, नेटसफ लीगल कंपनी है।
दुनिया की एकमात्र कंपनी जो हर इथिक्स का पालन करती है, दुनिया की अगर मैं बात करता हूं और विशेषकर अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो लीगल रूप से चलने वाली एकमात्र कंपनी नेटसफ नेटवर्क दोस्तों, तो यहां पर जो लीगल तरीके से आगे बढ़ती है ये मुख्य रीजन है नेटसफ का आगे बढ़ने का, नेटसफ का ग्रोथ करने का। और अगर मैं यहां पर मैं बात करूं तो मैं आपको बोलना चाहता हूं और आप सब लोगों को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं क्योंकि मैं बहुत दिल से आज ये बात बोल रहा हूं। आज सब लोग, हम सब लोग बधाई के पात्र हैं क्योंकि हम इस इंडस्ट्री के अंदर हैं, डार्क सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हैं। नेटसफ जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है दोस्तों, अब नेटसफ इसका जस्ट डबल स्पीड इस साल पकड़ने वाला है क्योंकि अब और इस साल हमारी भारत सरकार ने इस इंडस्ट्री को एक तवज्जो दी है, जिसकी अगर मैं बात करूं उसको एक वैल्यू दी है, इसको रेगुलाइज किया है और इसके ऊपर एक एक्ट लेकर के आई है, इसके ऊपर कानून बनाया है। और आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो गवर्नमेंट का, जो भारत सरकार का जो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, वहां से 28 दिसंबर 2021 को इसके ऊपर कानून बनाया गया और इस इंडस्ट्री को रेगुलाइज किया गया। हम सब लोगों को मान और सम्मान दिया गया, चाहे वो समाज के अंदर हो, चाहे परिवार के अंदर हो, चाहे किसी बैंक में जाए वहां पर हमारा मान सम्मान हो, चाहे गवर्नमेंट की नजर में हो, हम सब लोगों को ये मान और सम्मान इस एक्ट के माध्यम से मिला है। आप समझ सकते हो कि हम किस स्पीड से और आगे जाने वाले हैं। और दोस्तों यहां पर मैं इस एक्ट की बात करता हूं तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि नेटसफ एकमात्र कंपनी है, मेरी बात पे गौर करना, नेटसफ एकमात्र कंपनी है जिस एक्ट के अंदर जो बातें बोली गई हैं उनका 95% पहले से इसको इंप्लीमेंट करके चल रही है। ये बहुत हमारे लिए गर्व की बात है, बहुत प्राउड के साथ मैं बात कह सकता हूं। और जो लोग नेटसफ के अंदर हैं उनको पता है कि नेटसफ 95% इन बातों को पहले से फॉलो करके चल रहा है, तो ये बहुत एक अभिमान की बात हमारे लिए। लेकिन थोड़ा सा हम और समझते हैं, थोड़ा हम और समझते हैं कि इस एक्ट में क्या बोला गया। यहां पर लिखा कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या, मतलब डायरेक्ट सेलिंग है क्या, अरे हम तो पहले से कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग है क्या उसको थोड़ा बात करते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने का एक सिस्टम है, मतलब प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने का एक तरीका है, मतलब प्रोडक्ट एक वितरण प्रणाली जिसको हम बोल सकते हैं वो है डायरेक्ट सेलिंग। तो अब तक इस वितरण प्रणाली की अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों मैंने अभी बोला है कि इसके अंदर हम सब लोगों को रेगुलाइज किया गया, हम लोगों को मान सम्मान दिया गया। लेकिन इस एक्ट में आया क्या, जिस जहां पर मैं बात करता हूं तो अब तक मतलब गवर्नमेंट को ये समझ में नहीं आ रहा था कि डायरेक्ट सेलिंग मतलब बोलते हैं सब कंपनी और कंपनी से सीधा ग्राहक के पास, मतलब बीच में बहुत सारे लोग आते हैं प्रोडक्ट को यूज करते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जिनको पैसा मिलता है, पैसा कमाते हैं। लेकिन अब तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि कौन कंज्यूमर है कौन डायरेक्ट सेलर है, अब तक इसको लेकर कंफ्यूज थे, किसको पैसा मिलना चाहिए किसको प्रोडक्ट यूज करना चाहिए इसको लेकर कंफ्यूज थे। लेकिन इस एक्ट के तहत पूरा का पूरा दूध का दूध और पानी का पानी करके रखा गया। और यहां पर बोला क्या गया कि इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो लोग काम करते हैं, मतलब इस एंटिटीज के अंदर अगर मैं बात करता हूं जिसका मुख्य जो रोल रहता है वो तीन पार्ट मुख्य है यहां पर, और सबसे बड़ा पार्ट है उसको हम बोलते हैं कंपनी, मतलब इसको रूप यहां पर जो नाम दिया गया वो दिया गया यहां पर डीएसए कंपनी को, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज का नाम यहां पर दिया गया। तो यहां पर ये पहला एंटिटीज, दूसरा अगर मैं बात करता हूं तो डायरेक्ट सेलर, जहां पर आप और हम लोग हैं आज, आप और हम लोग डायरेक्ट सेलर के नाम से जो आज हमने यहां पर जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है वो डायरेक्ट सेलर के नाम से हमने यहां इसको ऑर्गेनाइज किया है। आप और हम सब लोग नेटसफ के रजिस्टर्ड डायरेक्ट सेलर हैं, मतलब नेटसफ के हम बिजनेस पार्टनर हैं। नेटसफ और हमारे बीच के अंदर एक प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट होगा, नेटसफ और हमारे बीच में एक बिजनेस टू बिजनेस एग्रीमेंट होगा। मतलब क्या, बिजनेसमैन से और बिजनेसमैन के बीच में जो एग्रीमेंट हो रहा है, मतलब हम रजिस्टर्ड बिजनेसमैन बन गए हैं। इसके लिए जो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है इस डायरेक्ट सेलर के लिए, वो थोड़ा मैं आगे आपको बोलने वाला हूं। अगर मैं बात करूं तो आज के बाद कंज्यूमर अलग है, इस एक्ट के बाद कंज्यूमर अलग हुआ। कंज्यूमर का काम क्या रहेगा और डायरेक्ट सेलर काम क्या रहेगा, डायरेक्ट सेलर मतलब हम बिजनेसमैन है, हम पैसा कमा सकते हैं, रुपए कमा सकते हैं, हम अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं, हम नए नए लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं, नए नए डायरेक्ट सेलर को यहां पर लेकर के आ सकते हैं। और कंज्यूमर का रोल क्या रहेगा, मतलब हम जिस कंज्यूमर को अपॉइंट करेंगे, जिस कंज्यूमर को हम यहां पर लॉग इन करेंगे, उस कंज्यूमर तक ये प्रोडक्ट हम पहुंचाएंगे, हमारे माध्यम से नेटसफ का प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचेगा। ये तीन रोल, बड़े रोल यहां पर दिए गए हैं। थोड़ा मैं आगे बात करता हूं तो सबसे पहले हम थोड़ा इसको समझते हैं कि डायरेक्ट सेलर के लिए रिक्वायरमेंट क्या रहेगी। लेकिन उससे पहले जो मैं बात करूंगा, यहां पर इस एक्ट में बोला गया कि कंपनी कौन सी जो डायरेक्ट सेलिंग का काम करती है, वो कंपनी जिसका खुद का प्रोडक्ट है या जिसके खुद का सर्विस है, जिसके ऊपर खुद का राइट है, उसका ओनर मतलब उस प्रोडक्ट या सर्विस का वो खुद मालिक है। अगर मैं इस पे बात करूं तो मेरी बात को बहुत गौर से समझना, मेरी बात को बहुत गौर से समझने की कोशिश करना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पर लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन आईपीआर ट्रेडमार्क एंड ब्रांड नेम, मतलब यहां पर क्या, जो कंपनी अपना जो प्रोडक्ट बनाती है उसका जो फॉर्मूला होता है, जैसे फॉर एग्जांपल नेचरामोर का जो फॉर्मूला है उसका फॉर्मूला रजिस्टर्ड, मतलब आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मतलब उसका कॉपीराइट उस कंपनी के पास में है क्या, तो 100% नेटसफ के जितने भी जो प्रोडक्ट हैं सभी का नेटसफ के पास उसका कॉपीराइट है, उसका खुद का उसका मालिकाना हक है, वो रजिस्टर्ड उसका फॉर्मूला है, ट्रेडमार्क खुद का है, उसका ब्रांड नेम खुद का है। और अगर मैं बात करूंगा तो मतलब क्या हुआ, इज गुड फॉर इंडस्ट्री, मतलब इस इंडस्ट्री के लिए, डायरेक्ट सेलिंग के लिए बहुत अच्छा हुआ कि गवर्नमेंट ने ये गाइडलाइन दी है, गवर्नमेंट ने ये एक्ट दिया है। क्योंकि आज के बाद होने वाला क्या है, मार्केट के अंदर जिसके प्रोडक्ट में दम होगा, जिसका प्रोडक्ट 24 कैरेट शुद्ध सोना होगा, जिसका प्रोडक्ट मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, 100% जिसका रिजल्ट देने वाला होगा, वो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर चलने वाला है, वो कंपनी मार्केट के अंदर चलने वाली है। मतलब क्या, प्रोडक्ट विल बी बिकम द किंग, मतलब आज के बाद मार्केट के अंदर प्रोडक्ट किंग रहने वाला है, जिसके प्रोडक्ट में दम होगा वो 100% मार्केट में राज करेगा। आज के बाद मार्केट के अंदर हवा नहीं बिकने वाली, मतलब क्या, प्लान जो बेचे जाते हैं, हवाई जो प्लान बेचे जाते हैं, हवा रिवार्ड गाड़ी घोड़े सब कुछ जो बेचे जाते हैं, ये नहीं चलने वाले हैं, ये आज के बाद कोई कंपनी ऐसा करती वो नहीं टिकेगी। तो नेटसफ
ऐसा पहले भी नहीं करा था, आज भी नहीं करा है, और इसीलिए मैंने आपको बोला कि नेट्स अप इथिकल है, नेट्स अप लीगल है, जो 100% चीजों को पहले से फॉलो करके चल रहा है। और मैं आगे भी चलता हूं, मैं आपको बोलना चाहता हूं, जैसे मैंने बोला कि उस कंपनी के पास खुद का ब्रांडिंग होना चाहिए, तो आप ये देख पा रहे हो हमारे यहाँ पर पर्सनल केयर के ऊपर आप लिखा हुआ हार्ड एंड मोर, ये हमारा ब्रांड नेम है जो रजिस्टर्ड है, नेट्स अप पहले से ही इसको रजिस्टर्ड करके चल रहा है। और इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं तो पर्सनल केयर के अंदर हार्ड एंड मोर रेंज के अंदर आज हमारे पास में 31 प्रोडक्ट की रेंज हमारे पास में है। दूसरा ब्रांड नेम अगर मैं बात करता हूं तो हमारा आता है नेचरा मोर, और नेचरा मोर रेंज के अंदर हमारे पास 14 प्रोडक्ट हमारे पास में आते हैं, तो हमारा नेचरा मोर रजिस्टर्ड ब्रांड नेम हमारा। अगर मैं बात करता हूं तो बायोफिट, बायोफिट हमारे यानी खेती के जो हमारे प्रोडक्ट आते हैं वो बायोफिट रेंज में आते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्ट और कैटल केयर के प्रोडक्ट हमारे इस रेंज के अंदर आते हैं बायोफिट रेंज के अंदर, इसमें हमारे 11 प्रोडक्ट्स हैं। और आप सब लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि बहुत जल्दी इसमें करीबन 20 से 25 नए प्रोडक्ट्स आपको अगले महीने मिलने वाले हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो रंगदे हमारा ये ब्रांड नेम है, यहाँ पर कलर कॉस्मेटिक के अंदर अगर बात करूं तो 4 हमारे पास में प्रोडक्ट आते हैं, और क्लीन एंड मोर के अंदर हमारे पास में ये हमारा ब्रांड नेम है, इसके अंदर हमारे 2 प्रोडक्ट्स आते हैं। तो जो मैंने आपको पहले बताया, पहले वाले स्लाइड में आपको दिखाया था कि जिस कंपनी के पास में ये खुद के होंगे, ब्रांड नेम खुद का होगा, खुद का IPR होगा, वही कंपनी मार्केट में उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर सकती है। तो नेट्स अप जब चालू हुआ था, नेट्स अप जब किसी प्रोडक्ट को मार्केट में उतारता है, पहले उसका ये IPR करवा करके उसका मतलब उसको बोल सकते उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसका जो उसका कॉपीराइट है वो खुद करवा करके पहले लेता है, उसके बाद उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करता है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है आप और हम सब लोगों के लिए। तो हम ऐसे नेटवर्क का हिस्सा है, ऐसी कंपनी का हम लोग हिस्सा है। तो अगर इस 5 रेंज की मैं बात करूं, इस 5 रेंज के अंदर 66 प्रोडक्ट्स नेट्स अप के पास में जो नेचुरल हैं, आयुर्वेदिक हैं, किसी भी प्रकार के केमिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता, यही सबसे बड़ी ताकत है हमारी, यही ताकत है 24 कैरेट शुद्ध सोना, जो मैंने आपको बोला कि आज के बाद मार्केट के अंदर प्रोडक्ट किंग रहने वाला है। दोस्तों यही ताकत नेट्स अप को 21 साल से लेकर के अब तक यहां तक पहुंचाया है, और आने वाले 2025 तक यही ताकत पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मैं नहीं बोल सकता मैं पूरे विश्व की बात करता हूं, पूरा पिक्चर चेंज हो जाएगा इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, और वो ताकत रहेगी हमारा प्रोडक्ट किंग रहेगा 24 कैरेट शुद्ध सोना, जो नेचुरल प्रोडक्ट है, हर व्यक्ति की जरूरत है, आम व्यक्ति की रेंज में आने वाला प्रोडक्ट हमारा, इसमें मैं बोल सकता हूं कि हर व्यक्ति इसको यूज करे, चाहे वो खेत हो, चाहे वो किसान हो, चाहे कोई जानवर हो, चाहे कोई इंसान हो, हर जगह हमारा प्रोडक्ट काम आने वाला है। मतलब सुबह से लेकर के शाम तक हर एक चीज में हमारे सुबह गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड नाइट तक हमारे पास प्रोडक्ट या नेट्स अप हमें उपलब्ध करवाता है, जिसके अंदर अभी तक 66 प्रोडक्ट है, आने वाले टाइम में बहुत बड़ी रेंज आपके बीच में आने वाली है। अगर मैं बात करता हूं इस ताकत की वजह से नेट्स अप आज हिंदुस्तान के 642 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और अगर मैं बात करता हूं तो 38,000 ब्लॉक्स के अंदर नेट्स अप अपने इस कारोबार को, इस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा चुका है। और अगर मैं इस ताकत की बात करता हूं, इस ग्रोथ की बात करता हूं, तो अभी तक मैंने बोला कि हम केवल इंडिया में हैं, लेकिन अभी हम बोल सकता हूं दोस्तों हिंदुस्तान की एकमात्र कंपनी जिसने इस प्रोडक्ट को लेकर, इस ताकत को लेकर के विदेश की धरती पर धूम मचाया, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहां पर हमने कंपनी रजिस्टर्ड, हमारा प्रोडक्ट वहां पर चालू हुआ, काम नेट्स अप वहां पर चालू कर चुकी है, और आने वाले 2025 तक मतलब मैं आपको बोल सकता हूं कि 20 से 22 कंट्री में नेट्स अप अपना साम्राज्य फैला चुका होगा। ये ताकत नेट्स अप के पास में है। ये ग्रोथ जिसमें बार बार आपको बोल रहा हूं, इस ग्रोथ के पीछे बहुत सारे लोग अपना करियर यहां से बना रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस नेट्स अप की ग्रोथ के साथ साथ अपनी खुद की ग्रोथ ले रहे हैं। नेट्स अप के ऐसे डायरेक्ट सेलर हैं जो अपनी ग्रोथ को मैच कर रहे हैं, मतलब नेट्स अप की ग्रोथ के साथ अपनी खुद की ग्रोथ को मैच कर रहे हैं। आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूं कि आज यहां पर देखिए, जैसे भी मैंने लिखा यहां पर कि यहां पर नेट्स अप के 80 लोग ऐसे हैं जो कैप अचीवर हैं, अगर मैं बात करता हूं तो 120 लोग नेट्स अप से जो करोड़पति लोग हैं, मतलब जिनको यहां पर महीना 16 लाख था, उनकी मैं बात करता हूं, हमारे विलास थोड़ा सर, हमारे साली सर की बात करता हूं, तो हाईएस्ट अर्नर है इस कंपनी से 46 करोड़, 45 करोड़, किसे कहते हैं, मतलब यहां से अपना करियर यहां से बना रहे। और राजस्थान की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे अपलाइन, मेरे गुरु जिनकी उंगली पकड़ के आगे बढ़ता हूं, मिस्टर मुकेश चौरी सर, जो यहां से आज महीना 16 लाख लेते हैं, और उनके टोटल इनकम की मैं बात करता हूं तो 6 करोड़ रुपए यहां से ले चुके हैं। ऐसे करोड़पति नेट्स अप ने दिए हैं, मतलब अगर मैं बात करता हूं तो 500 लोग यहां पर ऐसे हैं जो CMD क्लब से ऊपर के लोग हैं, और अगर मैं बात करता हूं तो 5,000 लोग ऑफ्स क्लब से ऊपर हैं, और अगर मैं बात करूं 9,000 लोग स्टार एंड अबो क्लब से ऊपर के हैं। अगर मैं और बात करूं तो अनलिमिटेड रिटेलर्स यहां पर हैं जो अपने यहां पर अलग अलग ड्रीम पूरा यहां पर कर रहे हैं। तो यहां पर आप स्लाइड के ऊपर देख पा रहे हैं बहुत सारे लोग जिन्होंने यहां पर अपना अपना छोटे छोटे ड्रीम्स जो है ना, कोई गाड़ी को लेकर के, खुद के मकान को लेकर के, और अपने ड्रीम यहां से पूरे किए। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जब ये लोग अपना करियर यहां पर बना रहे हैं, ये डायरेक्ट सेलर जब नेट्स अप के ग्रोथ के साथ अपनी ग्रोथ मैच कर रहे हैं, तो क्या आप और हम इस ग्रोथ को मैच नहीं कर सकते, 100% कर सकते हैं। और 100% करने के लिए नेट्स अप ने इस बार हम सब लोगों के लिए जबरदस्त धमाका हम लोगों ने दिया यहां पर। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यहां पर बोलना चाहूंगा, उस ग्रोथ को मैच करने के लिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, यानी कि हम लोग डायरेक्ट सेलर, हम डायरेक्ट सेलर को करना क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। आप और हम सब डायरेक्ट सेलर हैं, जिसने अपना GST अपडेट किया, जिसने अपना जो 5 फरवरी तक अपना GST अपडेट कर देगा, वो सब लोग डायरेक्ट सेलर कहलाएंगे। और डायरेक्ट सेलर को करना क्या है, उनको क्या मिलेगा, थोड़ा मैं उसके ऊपर बात करता हूं। तो यहां पर डायरेक्ट सेलर को करना क्या है, जो हम आप और हम जो डायरेक्ट सेलर हैं, उनको क्या करना है, प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उसके ऊपर फोकस करना है, और नए नए डायरेक्ट सेलर को ऐड करना है इस नेट्स अप नेटवर्क के अंदर। अगर मैं बात करता हूं जिसके माध्यम से हम लोगों को टर्नओवर मिलने वाला है, वो कौन होगा, वो हमारा कंज्यूमर होगा। कंज्यूमर को, नए नए कंज्यूमर्स को हमारा, उन तक हमारा प्रोडक्ट पहुंचाना है, चाहे वो बायोफिट के हो, चाहे वो रंगदे के हो, चाहे वो हेल्थ केयर के हो, किसी के भी हो, उन तक हमारा प्रोडक्ट, कंज्यूमर के पास हमें अपना प्रोडक्ट को पहुंचाना है।
उनके माध्यम से जो टर्नओवर आएगा, मतलब क्या कि नए नए कंज्यूमर को यहाँ पर लॉगिन करना है, नए नए कंज्यूमर तक हमें पहुंचना है, मतलब हिंदुस्तान के घर घर तक हमारा नेटवर्क पहुंचना चाहिए, ये हम लोगों को करना है, हमारे माध्यम से ये करना है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो डायरेक्ट सेलर कौन बनेंगे तो थोड़ा इसको समझना जरूरी है। तो डायरेक्ट सेलर के लिए यहाँ पर जो चीज रिक्वायरमेंट है उसका, जैसे अगर मैं बात करता हूँ तो चाहे वो अस्मिता है चाहे वो सक्षम है, उसका नाम यहाँ पर उसका होना चाहिए, उसकी फर्म का नाम हो सकता है। आज के बाद डायरेक्ट सेलर का ईमेल आईडी कंपलसरी है, जो भी डायरेक्ट सेलर यहाँ पर आएगा उसका नाम, उसकी फर्म का नाम, उसका ईमेल आईडी, और अगर मैं बात करूँ उसका जीएसटी नंबर कंपलसरी है, उसको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। मैं बात करता हूँ तो उसका पैन नंबर लगेगा, बात करता हूँ उसको ट्रेड लाइसेंस लगेगा, बात करता हूँ उसको एक जहां पर जो एजेंसी लेगा या जो अपना जीएसटी नंबर निकालेगा उसका एक रजिस्टर्ड एड्रेस उसको देना पड़ेगा। मतलब क्या कि जो डायरेक्ट सेलर रहेगा उसके और कंपनी के बीच में एक रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा। मैंने आपको पहले भी बोला था बी टू बी कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब आज के बाद हम कंपनी के बिजनेस पार्टनर हैं और इसीलिए सब चीजें यहाँ पर मैंडेटरी हैं हम सब लोगों को, यानी कि आज के बाद जो भी डायरेक्ट सेलर रहेगा उसके लिए कंपलसरी रहेगा। लेकिन थोड़ा मैं आगे बात करता हूं तो बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा क्या साहब कंज्यूमर के लिए पैन कार्ड लगेगा क्या? तो दोस्तों मैं आपको बोलना चाहता हूं आपको किसी प्रकार की टेंशन लेने के लिए जरूरत नहीं है। कंज्यूमर का लॉगिन कंज्यूमर का बहुत इजी प्रोसेस है। कंज्यूमर कौन? जो केवल प्रोडक्ट को यूज करता है, प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है, ना वो कोई यहां पर अपने नीचे कोई कंज्यूमर लेकर आ सकता है, ना फिर वो बिजनेस कर सकता है, उसको कोई कमीशन मिलने वाला नहीं है। तो सिंपली अगर मैं बात करूं कंज्यूमर कौन हो सकता है तो कोई भी व्यक्ति, एक 10 साल का बच्चा भी आपका कंज्यूमर हो सकता है, एक 50 साल का व्यक्ति भी आपका कंज्यूमर हो सकता है, एक 70 साल का व्यक्ति भी आपका कंज्यूमर हो सकता है, एक लेडीज आपका कंज्यूमर हो सकती है, एक मैं बात करता हूं एक बच्ची आपका कंज्यूमर हो सकती है, हर एक व्यक्ति आपका कंज्यूमर हो सकता है। उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है थोड़ा मैं यहां पर आपको बोलना चाहता हूं। उसको कोई भी पैन कार्ड की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। उसका नाम आपको चाहिए, उसका मोबाइल नंबर आपको चाहिए, उसका हो सके तो ईमेल की यहां पर कोई जरूरत नहीं, लेकिन उसका यूजर नेम जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको यहां पर उसका यूजर नेम आपको बनाना पड़ेगा, साथ में उसका एड्रेस चाहिए। और एड्रेस भी क्यों चाहिए? अगर वो कभी ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज करता है तो उसके घर पर प्रोडक्ट डिलीवर हो सके, इसलिए उसका यहाँ पर ये चीज हमें चाहिए, ये रिक्वायरमेंट उसकी रहती है। तो बहुत इजी प्रोसेस रहेगा, इसके माध्यम से आप अपने कंज्यूमर को आप अपने मोबाइल ऐप पर या अपने गूगल साइट पर जाकर के आप कंज्यूमर माई कंज्यूमर जहां पर लिखा होता है वहां पर आप एनरोल नाउ में जाएंगे तो एड न्यू कंज्यूमर पर आप जाकर उसको आप वहां पर एड कर सकते हो। तो बहुत इजी प्रोसेस है। मतलब क्या? डायरेक्ट सेलर कंज्यूमर को अपॉइंट करेगा और जो कंज्यूमर के माध्यम से जो टर्नओवर आएगा उसके ऊपर हम लोगों को कैसे हमारा बिजनेस प्लान चलेगा थोड़ा मैं उसके ऊपर बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जो डायरेक्ट सेलर जो आएंगे उनको बिजनेस प्लान कैसे रहेगा, थोड़ा उनको इनकम क्या मिलेगी। अब तक लोग कंफ्यूज है कि साहब डायरेक्ट सेलर तो हम अपॉइंट कर रहे हैं, करें कि नहीं करें, उनका बिल कटवाएं नहीं कटवाएं, कंज्यूमर आ रहा है कंज्यूमर को कैसे बिल कटेगा। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कंज्यूमर का लॉगिन करो और कंज्यूमर का बिलिंग करो, उसके ऊपर जो टर्नओवर आएगा 100% आपकी इनकम किस तरफ जाने वाली है, आप और हम किस तरफ ग्रोथ लेने वाले हैं थोड़ा उसके ऊपर बात करता हूं। तो क्या रहेगा हमारे डायरेक्ट सेलर के लिए यहाँ पर बिजनेस प्लान, थोड़ा उसमें बात करूँ हमारी इनकम। दोस्तों यहाँ पर तीन तरह की इनकम आपको मिलेगी। पहला इनकम रिटेल प्रॉफिट, मतलब कंज्यूमर को जो हम रिटेलिंग कर रहे हैं, कंज्यूमर को जो हम प्रोडक्ट दे रहे हैं उसके ऊपर जो टर्नओवर आएगा उसके ऊपर जो हमें प्रॉफिट आने वाला उसको बोलेंगे रिटेल प्रॉफिट। और दूसरा रहेगा हमारा टर्नओवर बेस्ड कमीशन जो पहले से चलता रहा है। और तीसरा हमारा जो इनकम रहेगा वो रहेगा पाथफाइंडर, मतलब पाथफाइंडर टूल्स के माध्यम से जो इंसेंटिव जो एक्स्ट्रा इनकम हमें मिलेगी। ये तीन इनकम हम यहां पर ले सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है आपको बोलना क्या, आपको बताना क्या, आपको समझना क्या है? ये तीन तरह की इनकम आपको समझनी है। तो थोड़ा सा पहले यहां पर बात करते हैं रिटेल प्रॉफिट के माध्यम से। रिटेल प्रॉफिट कैसे होगा? तो जो मैंने आपको बोला है कि जिस कंज्यूमर के माध्यम से जो टर्नओवर आ रहा है उस टर्नओवर के ऊपर उस डायरेक्ट सेलर को 10% रिटेल प्रॉफिट मिलने वाला है। यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर मैंने लिखा कि 10% फॉर ई कॉमर्स, मतलब आपने फॉर एग्जांपल आपने मुझे कंज्यूमर के रूप में लॉगिन किया और एक शॉप मतलब हमारे स्टॉक पॉइंट पे जाकर के आपने मेरा बिल कटवाया, मतलब ई कॉमर्स उसकी वजह से जो टर्नओवर आया उसके ऊपर आपको 10% रिटेल प्रॉफिट मिलेगा। और आप खुद अपने अपने कोड पर आप अपने रेफरेंस नंबर पर आप प्रोडक्ट परचेज करके उसका खुद बिलिंग कर रहे हो, वो आपके माध्यम से जो बिलिंग हो रहा है मतलब बी टू सी मतलब बिजनेसमैन से और एक कंज्यूमर के पास जो प्रोडक्ट जा रहा है आपके माध्यम से, उस टर्नओवर के ऊपर आपको 15% रिटेल प्रॉफिट मिलेगा। बिल्कुल क्लियर होने बात है ये, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बात करूं रिटेल प्रॉफिट के ऊपर, जो भी रिटेल प्रॉफिट आपका बनेगा उसके ऊपर आपका टीडीएस कटेगा और मतलब केवल टीडीएस कटेगा, इसके ऊपर कोई भी चार्ज आपका कटने वाला नहीं है। आगे अगर मैं बात करता हूं तो नो कैपिंग अनलिमिटेड इनकम है। कितना कमाना है? फॉर एग्जांपल मैं रामनिवास सैनी 10 लोगों को मैंने लॉगिन किया, उनके माध्यम से मेरे पास 1,00,000 का टर्नओवर आया, मतलब एमआरपी और जीएसटी अलग करने के बाद 1,00,000 का टर्नओवर आया, उसके ऊपर मुझे 10% यानी कि 10,000 रुपए का रिटेल प्रॉफिट का चेक मेरे पास आएगा टीडीएस कट के। कितनी बड़ी ताकत है यार, समझो कितना बड़ा चेक हमें प्रिंट करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और मैं इसके लिए बोलूंगा इसकी वजह से जो प्रॉब्लम थी लोगों को, मेरा पेआउट, मेरा चेक, मेरा ये, मेरा सपोर्ट, मेरा एक टीम दो टीम सब कुछ प्रॉब्लम खत्म। कितना लॉगिन करना है, जितना आप कंज्यूमर को लॉगिन करेंगे, जितना आपके माध्यम से आपका प्रोडक्ट रिटेल होगा उसके ऊपर आपको ये कमीशन मिलने वाला है। तो बहुत बड़ी ताकत, इसको हमें थोड़ा समझ के चलना है। आगे थोड़ा मैं चलता हूं, शायद मैं समझता हूं कि आपका ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गया कि रिटेल प्रॉफिट हमें कैसे मिलने वाला है। थोड़ा मैं आगे चलता हूं तो हमारा टर्नओवर बेस्ड कमीशन कैसे रहेगा? जो पहले था सेम वही है, 3-3%, 4-4, 5-5, 6-6%, आपको इस पर कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो आपको इसको बिल्कुल क्लियर समझ ले। यहां पर इसको चार तरह से डिफाइन किया हुआ है। 3% मतलब बेसिक कमीशन आपका, उसके बाद जब 4% हमारा 1% जब बढ़ता है तो वो 1% किस बात का बढ़ता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट प्रमोशन। फिर उसके बाद में 1% बढ़ता है यानी कि हम 4-5% पर आते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रेनिंग इंसेंटिव।
फिर 1% का इजाफा होता है उसको हम बोलते हैं बिजनेस डेवलपमेंट इंसेंटिव। ऐसे करके 3, 4, 5 और 6% पर हम लोग जाने वाले हैं। थोड़ा मैं आगे चलता हूं, थोड़ा इसको मैं और आपको एक्सप्लेन करके वो बताता हूं कि जो 3-3% जो कमीशन कंपनी हमें दे रही है वो किस बात का दे रही है। वो बेसिक हमारा जो काम हम कॉलिंग करते हैं, फॉलोअप करते हैं, क्लोजिंग करते हैं, प्रोस्पेक्टस के पास जाते हैं, कंज्यूमर डायरेक्ट सेलर को उसके टीम में जाते हैं वहां पर, तो हम वहां पर जो 1-to-1 करते हैं, ग्रुप मीटिंग करते हैं या प्रोडक्ट सेमिनार करते हैं, इस बात का हमें 3% मिलता है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो हम डायरेक्ट सेलर को जो अगला 1% जो बढ़ोतरी होती है वो किस बात की होती है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट प्रमोशन। मतलब हम लोग जो फील्ड पे जाकर के नए डायरेक्ट सेलर के पास जाते हैं, वहां पर उनके मीट करते हैं, उनको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं, उसका प्रमोशन करते हैं प्रोडक्ट का, मतलब प्रोडक्ट से रिलेटेड हम एक्टिविटीज करते हैं, उसका डेमो देते हैं, वहां पर किसान गोष्ठी करते हैं, अस्मिताओं की ग्रुप मीटिंग करते हैं, उस बात का 1% बढ़ता है। मतलब एक लेवल पाने के बाद आपका 1% बढ़ जाएगा। उसके बाद जो हमारा 1% की जो बढ़ोतरी होती है वो हमारा होता है ट्रेनिंग करें, मतलब आप लोगों को सीख करके नीचे आपकी टीम को ट्रेनिंग देनी है, आपके लोगों को ट्रेनिंग देनी है, उसके लिए आपका प्रोडक्ट का ट्रेनिंग रहेगा, बेसिक ट्रेनिंग रहेगा, यानी हम उसको बोल सकते हैं बिजनेस का ट्रेनिंग भी, जो आपके नीचे आपकी टीम में जो लोग रहेंगे चाहे वो उनको आपको ट्रेनिंग देनी है। उसके बाद फिर हमारा 1% की जो बढ़ोतरी होती है उसको हम बोलते हैं बिजनेस डेवलपमेंट, मतलब अपने बिजनेस को डेवलपमेंट डेवलप करने के लिए, तो उसका मेंटोरिंग हो, चाहे वो लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, या उसको हम बोलते हैं नया पॉकेट ओपन करना हो, या बिजनेस की ट्रेनिंग हो, या टूल्स को लेकर के हम ये ट्रेनिंग्स अपनी टीम के लिए करते हैं, उसका हमें 1% की बढ़ोतरी होती है। तो इस तरह से करके 3%, 4%, 5% और 6% तक का जो हमारा जो इसका नेटवर्क जो कमीशन है वो सेम एज इट इज, उसमें कोई भी वो नहीं है। तो ऐसा करके हम आगे बढ़ सकते हैं और बात करता हूं तो डायरेक्ट सेलर का स्टेटस कैसे रहेगा उसको मैनेज करने के लिए थोड़ा सा आपको समझना जरूरी है। तो मैं यहां पर आपको बोलना चाहता हूं कि हर एक डायरेक्ट सेलर को अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, अपने आप को यहां पर बनाए रखने के लिए आपको हर महीने 1,000 रुपए का चेक कंपलसरी है। मतलब आपको एक महीने में 1,000 रुपए का चेक आपका, चाहे वो रिटेल प्रॉफिट के माध्यम से हो, चाहे वो आपका नेटवर्क कमीशन के माध्यम से हो, 1,000 रुपए का चेक आपका बनना जरूरी है। अगर किसी महीने, मतलब इस महीने में 1,000 का चेक बन गया, अगले महीने चेक नहीं बना, अगले महीने नहीं बना, हो सकता उसे तीसरे महीने जाकर के आपका 4,000 का चेक बन गया, फिर नहीं बना, फिर 5,000 का बन गया, ऐसे करके टोटल पूरे 12 महीने में आपका 12,000 का इनकम जरूरी है। अगर ये है इसका मतलब क्या है कि आप कंपनी के एक्टिव डायरेक्ट सेलर हैं, आप अपने आपका अपने स्टेटस आप मैनेज कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। थोड़ा आगे चलूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर जिसका ये नहीं रहेगा तो उसको कोई भी रिटेल प्रॉफिट और कोई भी नेटवर्क कमीशन उसको नहीं मिलने वाला है। तो हमें अपने आप को आज के बाद में बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छे लोगों के माध्यम से हम अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, अपना स्टेटस मेंटेन कर सकते हैं। और तीसरे इनकम की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों मैं आपको बोलना चाहता हूं बहुत सुपर और बहुत जबरदस्त इनकम, जिसकी वजह से मैं खुद बोल सकता हूं कि इसकी वजह से मेरा आज जो 50 लाख का जो इनकम है वो केवल और केवल यही तीसरे इनकम है, उसको हम बोलते हैं पाथफाइंडर, जिसका हम सब लोग इस महीने में हिस्सा बनने वाले हैं। और ये क्या है, थोड़ा इस पाथफाइंडर को हम समझते हैं यहां पर। तो इस पाथफाइंडर के माध्यम से होता क्या है, हम लोगों को ट्रेनिंग मिलती है, हम लोगों को यहाँ पर पर्सनल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग मिलता है, सीखने का ट्रेनिंग मिलता है। इस पाथफाइंडर के माध्यम से हम अपने आप को ग्रोथ लेने का, ग्रो करने का एक मौका मिलता है। और यहाँ पर मैं इसको बोल सकता हूँ कि यहाँ पर हमें इसको सेलिब्रेट किया जाता है, मान सम्मान मिलता है, ये सारी चीजें इस पाथफाइंडर के माध्यम से होती है। तो दोस्तों इस पाथफाइंडर की अगर मैं बात करता हूं तो आज मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ 400 लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा है, आप सब लोगों को इस पाथफाइंडर का हिस्सा बनना है। और इसके अंदर होता क्या है, इसकी अगर बात करता हूं तो नेटसफ नेटवर्क के अंदर यहाँ पर हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उसको आता है सुपर ट्रिक। इस सुपर ट्रेक के माध्यम से अगर मैं बात करूं तो क्या है यहाँ पर, इस सुपर ट्रेक के माध्यम से मैं आपको बोल सकता हूं कि इस बार का जो सुपर ट्रेक है जिसके अंदर हम यहाँ पर हर लेवल पर किसी एक लेवल को हम अचीव करेंगे तो हमें यहाँ पर बोनस मिलने वाला है, यहाँ पर हमें एडिशनल कमीशन मिलने वाला है, अगर जो मैंने आपको पहले दिखाया है उस कमीशन से, उसके अलावा ही हमें कमीशन मिलने वाला है। और जब दोबारा उसको रिपीट करते हैं तो हमें रिपीट बोनस भी इस सुपर ट्रेक के माध्यम से मिलने वाला है। तो थोड़ा मैं यहाँ पर आपको लेके चलूंगा आगे कि यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो जो लोग बिगनर क्लब में और लाइटिंग स्टार में है, मतलब बिगनर और लाइटिंग स्टार के लिए यहाँ पर जो उनका टारगेट है यहाँ पर उनका क्या रहेगा, दोनों टीमों से, टीम वन टीम टू, दोनों टीमों से यहाँ पर 30,000 का टर्नओवर करते हो तो आपका लेवल वन क्लियर होता है। उसके बाद अगले महीने आप 50-50 करते हो तो आपका लेवल टू क्लियर होता है। और उसके अगले महीने आप 75,000 करते हो तो आपका लेवल थर्ड क्लियर होता है। और ये तो आपका मतलब आपका नेटवर्क के माध्यम से, नेटवर्क टर्नओवर के माध्यम से। लेकिन जो लोग इसका रिटेल प्रॉफिट के माध्यम से भी आना चाहें, साहब रिटेल प्रॉफिट चाहूंगा मैं, ये टीम वाला काम मैं नहीं कर पाऊंगा, तो अगर आप रिटेल प्रॉफिट से आना चाहते हो तो रिटेल प्रॉफिट के माध्यम से यहाँ पर जो लेवल वन है वहां पर अगर आपका 4,500 रुपए का रिटेल प्रॉफिट आता है तो आप सुपर ट्रेक के अंदर लेवल वन क्लियर करते हो। आपका 6,500 का चेक आता है तो आप यहाँ पर लेवल टू क्लियर करते हो, और 8,500 का चेक आपका आता तो आप लेवल थर्ड क्लियर करते हो। एक एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर इसके माध्यम से आपको बताता हूँ कि ये आपको बिगनर और लाइटिंग स्टार को ये क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, और बहुत अच्छा एग्जाम्पल, थोड़ा आपको समझने की कोशिश करना। एग्जाम्पल नंबर वन, मतलब फॉर एग्जाम्पल एक ललित कुमार जी हैं जो एक डायरेक्ट सेलर हैं, और इन्होंने क्या किया अपने कंज्यूमर, मतलब जैसे ललित कुमार जी ने बोला कि साहब मेरे पास नेटवर्क नहीं है, मेरे पास तो कंज्यूमर बहुत है, और कंज्यूमर के माध्यम से क्या मैं यहाँ पर आपका सुपर ट्रेक लेवल वन क्लियर कर सकता हूँ क्या, तो 100% कर सकता हूँ। तो ललित कुमार जी ने क्या किया, अपने कंज्यूमर ज्वाइन करना चालू किया। एक राजेश कुमार जी के कंज्यूमर आए, उन्होंने उनको 1,400 रुपए का टर्नओवर किया। रविंद्र जी आए, उनके माध्यम से 1,400 रुपए का टर्नओवर आया। कमलेश जी आए, नरेश जी आए, ये आए, दिनेश जी आए, ऐसे करके उन्होंने अपने कंज्यूमर ज्वाइन किया। ऐसे करके 10 कंज्यूमर का जो टी, इन्होंने 10 कंज्यूमर को इस तरह से अपने लिस्ट में ऐड करना शुरू किया। इन सब के माध्यम से अलग अलग टर्नओवर इनके पास में आया, मतलब टोटल टर्नओवर आया इनके पास में 47,300 रुपए का। और 47,300 रुपए के ऊपर इनका जो टर्नओवर जो कमीशन जो इनका बन रहा है यहाँ पर 10% जो रिटेल प्रॉफिट कमीशन इनका निकालते हैं, तो 4,730 रुपए इनका रिटेल प्रॉफिट आता है।
तो क्या हुआ, ललित कुमार जी सुपर ट्रेक के लेवल वन अचीवर हुए क्या? तो 100% हुए। ये इनका पहला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। और अगर मैं सेकंड एग्जाम्पल की बात करूं तो यहां पर अगर इनके पास टीम है और इनके पास टीम और दोनों टीमों के माध्यम से यहां पर इनके एक एक डायरेक्टर दोनों टीमों में है और दोनों एक दोनों टीमों के एक डायरेक्टर जो है अगर वो 30,000 का टर्नओवर इनको देते हैं तो क्या इनका सुपर ट्रेक का लेवल वन क्लियर होगा क्या? तो 100% उनका सुपर ट्रेक का लेवल वन क्लियर होगा। तो दोनों ट्रेक के माध्यम से आप यहाँ पर अपना लेवल अचीव कर सकते हैं। तो बहुत इजी तरीका है और बहुत जबरदस्त तरीका नेट सब हम लोगों को दिया है। थोड़ा आगे चलता हूं, तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो अगला जो लेवल इसकी मैं बात करूं, अगर आप इसको दोबारा आप इसमें एंट्री लेते हो, मतलब लेवल वन के अंदर आप एंट्री लेते हो बिगनर और लाइटिंग स्टार क्लब के लोग, तो इनको क्या मिलेगा? यहाँ पर एंट्री लेते वक्त इनको जो बेसिक कमीशन है वो तो मिलेगा 1,000 रुपए का एंट्री बोनस। बहुत बड़ी बात है, 1,000 रुपए का एंट्री बोनस, लेवल टू के ऊपर 1,500 रुपए का एंट्री बोनस और लेवल थर्ड के ऊपर 2,000 रुपए का एंट्री बोनस इनको मिलने वाला है। और यहीं पर नहीं है, ये तो इस महीना है, जनवरी के महीने में आप सब लोग एंट्री लो और आप ये बोनस लो, लेकिन आप इसको अगले महीने जब इसको रिपीट करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? देखिए बहुत जबरदस्ती जबरदस्त नेट सब ने दी है। अगर मैं बात करूं रिपीट अगर आप इसको करते हो तो यहाँ पर रिपीट के ऊपर आपका जो कमीशन 3-3% का था वो आपका 4-4% हो जाएगा और आपको रिपीट के ऊपर भी आपको रिपीट बोनस कंपनी दे रही है, मतलब 1,000 रुपए का बोनस कंपनी फिर आपको यहाँ पर दे रही है। और ये कितना बड़ा चेक हम बना सकते हैं, आप सोचो अगर आप रिटेल प्रॉफिट चाहते हो तो आपको मैंने बोला कि यहाँ पर 4,500 का आपका रिटेल प्रॉफिट का चेक है और आपको 1,000 रुपए का रिटेल यहाँ पर आपको बोनस मिल रहा है, मतलब आपका 5,500 का चेक बन रहा है, रिपीट करते हो दोबारा तो फिर आपको ये बोनस मिलता है। सोचो कितना बड़ा अच्छा इनकम है, लेवल टू के ऊपर 5% और 1,500 रुपए, लेवल थर्ड के ऊपर 6% और यहाँ पर 2,000 का उनको रिपीट बोनस, बहुत बड़ा इनकम नेट सबने दिया है। अगर मैं थोड़ा आगे चलूं तो यहाँ पर स्टार और सुपर स्टार क्लब के जो लोग हैं उनके अगर मैं बात करूं टीम वन टीम टू दोनों टीमों से यहाँ पर 50,000 का टर्नओवर, लेवल टू के लिए 75,000 का टर्नओवर और अगर वो रिटेल प्रॉफिट चाहते हैं तो 6,500 और 8,500 दोनों तरफ से आप यहाँ पर सुपर ट्रेक में आ सकते हो। और जब आप इसमें एंट्री लेते हो तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको यहाँ पर मिलेगा एंट्री बोनस और एंट्री बोनस की बात करूं लेवल वन के लिए 1,500 रुपए, लेवल टू के लिए 2,000 रुपए, कितना शानदार इनकम है, मतलब हम अपने चेक को बहुत अच्छा बड़ा इसके चेक की साइज बड़ी कर सकते हैं। और जब हम इसको रिपीट करते हैं यानी कि फरवरी में आप जब इसको वापस रिपीट करोगे तो रिपीट के ऊपर आपको क्या मिलेगा, लेवल वन वालों को जहां पर आपको उसका 4-4% कमीशन था वो आपको मिलेगा यहां पर 5-5% और रिपीट बोनस 1,500 रुपए वापस और लेवल टू पर 6-6% और रिपीट बोनस 2,000। बहुत सुपर जबरदस्त इनकम। अगर मैं आगे बात करूं तो थोड़ा सा उससे ऊपर चलते हैं, बाकी टेंशन मत लो, जो ऑप्स क्लब और सिल्वर क्लब के लोग हैं उनके लिए भी बहुत कुछ है, मतलब अगर वो भी यहां पर एंट्री लेते हैं तो उनके लिए एक लेवल है, उनको 75-75 करना पड़ेगा और अगर वो रिटेल प्रॉफिट चाहते हैं तो 8,500 का चेक उनको लेना पड़ेगा। तो ये उनके लिए मतलब इसका जो मैंने बोला यहां पर ऑप्स और सिल्वर क्लब के लिए, तो तीन सिल्वर क्लब तक के लिए यहां पर सुपर ट्रेक बहुत जबरदस्त। अगर आप ये करते हो लेवल अचीव करते हो तो आपको क्या क्या मिलेगा यहाँ पर? तो ऑफ्स और सिल्वर क्लब का अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर इसका जो एंट्री बोनस है 2,000 का और रिपीट बोनस कमीशन 6-6% और रिपीट बोनस आपका 2,000 का रिपीट बोनस आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो बहुत जबरदस्त इनकम नेट सबने आपको दी है। अगर मैं थोड़ा आगे चलूं तो यहाँ पर जो भी सुपर ट्रेक में लोग आएंगे जब जब वो लेवल अचीव करेंगे तो उनको क्या मिलेगा, उनको यहाँ पर वन डे का ट्रेनिंग मिलेगा यहाँ पर विद लंच किसी भी एक अच्छे होटल के अंदर। यहाँ पर कंपनी आपको सुबह बुलाएगी, सुबह नाश्ता, दोपहर में आपका लंच और दिन भर ट्रेनिंग चलेगा। आपको यहाँ पर बिजनेस कैसे किया जाता है वो आपको पूरा यहाँ पर सिखाया जाएगा, मतलब वन डे का आपको यहाँ पर ट्रेनिंग मिलने वाला है। और हर एक व्यक्ति को मतलब बिगनर से लेकर के ऊपर सभी लोगों तक को मतलब बात करता हूं तो 6-6% तक का कमीशन लेने का मौका यहां से मिलने वाला है। तो मैं चाहता हूं ये मौका यहां से जाना नहीं चाहिए। और अगर मैं आगे बात करता हूं तो जबरदस्त टूल जिसका आप सब लोगों को इंतजार था, हम सब लोग इसके माध्यम से एक आगे बढ़ते अपना करियर बनाते हैं उसको बोलते हैं यहाँ पर फास्ट ट्रैक। और क्या है फास्ट ट्रैक, थोड़ा मैं इस पर बात करूंगा। तो दोस्तों इस फास्ट ट्रैक के लिए मैं आपको बोलना चाहता हूं कि बहुत ही जबरदस्त फास्ट ट्रैक इस बार का। और इसकी अगर मैं बात करूं तो इस फास्ट ट्रैक के माध्यम से हमें मतलब एक अलग से ट्रेनिंग मिलने वाला है। इसको मैंने बोला था कि हमारा यहाँ पर पर्सनल डेवलपमेंट को या बोल सकता हूँ बिजनेस डेवलपमेंट को लेकर के या टीम डेवलपमेंट को लेकर के बहुत शानदार और बहुत जबरदस्त अलग अलग लेवल पर हमें ट्रेनिंग मिलता है और साथ में जनरेशन इनकम मिलता है। और अगर मैं बात करता हूं तो इंटरनेशनल कॉन्वेंस भी, मतलब यहां पर हमें इंटरनेशनल जाने का मौका भी इस फास्ट ट्रैक के माध्यम से मिलने वाला है। थोड़ा सा इसको हम समझते हैं तो सबसे पहले यहां पर आता है हमारा डायरेक्टर क्लब जिसको बोलो डायरेक्टर फास्ट ट्रैकर्स। तो इसमें क्या होगा, इस डायरेक्टर फास्ट ट्रैक की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर हमारे इसके 5 लेवल है और 5 लेवल क्या है यहां पर उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन 1, लेवल 2 के अंदर एग्जीक्यूशन 2, बात करता हूं यहां पर कोर 1, कोर 2, बात करता हूं यहां पर पीपी मतलब E1, E2, C1, C2 और PP मतलब प्री प्रेसिडेंट क्लब। ये 5 लेवल इस डायरेक्टर क्लब के रहने वाले हैं और इस पे मैं बात करूंगा तो यहाँ पर इसका टारगेट आप लोगों के लिए क्या रहेगा। इसका टारगेट है यहाँ पर एग्जीक्यूशन 1 के अंदर 60,000 का टर्नओवर है और जब आप इसको रिपीट करते हो अगले महीने तो आपको 4-4% कमीशन मिलेगा। इसके अंदर बिगनर और लाइटिंग स्टार के क्लब के लोग इसमें आ सकते हैं। इसका पीपीटी आपके पास पहुंच चुका है, इसका हर एक लेवल पर जो अलग अलग जो टारगेट्स यहाँ पर दिए हुए हैं ये प्री प्रेसिडेंट तक का सभी का टारगेट रिपीट करने के ऊपर 4%, 5%, 6% ये कमीशन आपको मिलने वाला है।
और मैं चाहता हूं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका फोटो पाड़ सकते हो, आपको ग्रुप में आपको मिल भी जाएगा। और अगर आप रिटेल प्रॉफिट के माध्यम से आते हो तो यहाँ पर 7,500 का चेक आपको बनाना है, यहाँ पर 12,000 का चेक है, यहाँ पर 18,000 का चेक है, मतलब हर एक क्लब के लिए यहाँ पर आप दोनों तरफ से रिटेल प्रॉफिट से और टर्नओवर के माध्यम से भी आप यहाँ पर इस फास्टैग का हिस्सा बन सकते हो, जो हमारे लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट महीना यहाँ पर। और यहाँ पर आपको जो मैंने बोला कि 5 जनरेशन तक का आपको यहाँ पर इनकम मिलेगा, इसके लिए कोई टारगेट नहीं है। अगर आपने फास्टैग में एंट्री लिया तो फरवरी से आपको 5 जनरेशन तक का ये अलग अलग आपको यहाँ पर आपको जनरेशन इनकम भी मिलने वाला, आप इसका फोटो ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं आप इंटरनेशनल जाना चाहते हैं तो इंटरनेशनल के लिए आपको यहाँ पर 6-6 लाख का टर्नओवर है और यहाँ पर अलग अलग लेवल पर आप इसका फोटो ले सकते हैं। आप रिटेल प्रॉफिट चाहते हो तो आपको यहाँ पर ये चेक बनाना पड़ेगा, इसके माध्यम से आप अपना इंटरनेशनल 6 महीने तक आप मेंटेन करते हो तो आपको इंटरनेशनल जाने का मौका मिलेगा। अगर किसी कारण से कंपनी इंटरनेशनल लेकर नहीं जाती है तो आपको यहाँ पर जो सामने मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो दे रखा है 30,000-30,000 रुपए का, ये आपको यहाँ से मिलने वाला है, दोनों में से कोई एक मिलेगा। थोड़ा आगे चलता हूं तो अगला जो लेवल है हमारा उसका बोलता है डायरेक्टर फास्टैग के लिए बात करूंगा। इसके बेनिफिट्स, तो बेनिफिट्स क्या रहेंगे, हर एक व्यक्ति को यहाँ पर 6% का कमीशन लेने का मौका मिलेगा। आपको यहाँ पर 5 लेवल तक का जनरेशन आप ले सकते हो। बात करूंगा तो यहाँ पर अगर आपने जनवरी और फरवरी मेंटेन किया तो आपको 1 या 2 डेज का आपको जोनल लेवल पर ट्रेनिंग मिलेगा। आपने इसको मार्च अप्रैल मई तक मेंटेन किया तो आपको 2 रात और 3 दिन का नेशनल लेवल पर आपको ट्रेनिंग मिलेगा। और अगर मैं बात करता हूं तो आपने इसको 6 महीने मेंटेन किया तो आपको इंटरनेशनल जाने का मौका भी मिलेगा। अगला जो लेवल है उसके मैं बात करता हूं, प्रेसिडेंट लेवल। प्रेसिडेंट लेवल पे क्या होगा, पहले वाला जो डायरेक्टर लेवल है वो टर्नओवर बेस पर है और प्रेसिडेंट लेवल की अगर मैं बात करता हूं तो ये पे आउट बेस पर है। तो यहां पर पे आउट में बात करो, सबसे पहले यहां पर सफायर प्रेसिडेंट, उसका 1-19 का चेक अगर आप बनाते हो तो आप इसके अंदर आपका एंट्री होता है। आप प्लेटिनियम यानी कि 2-19 का आपका चेक बनता है तो आपके यहाँ पर इसमें एंट्री होता है। हर एक व्यक्ति बिगनर से लेकर के और सीएमडी प्लस तक के लोग इसके अंदर आ सकते हैं, हर एक के लिए ओपन है, आप इसमें भी एंट्री ले सकते हो। और इसके लिए आपको 7 जनरेशन तक आपको यहाँ पर अलग अलग आपको ये जो आप चार्ट आप देख पा रहे हो इसके माध्यम से आपको जनरेशन इनकम मिलने वाला है। थोड़ा अगर बात करता हूं तो आप इंटरनेशनल जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 6 महीने मेंटेन करेंगे तो आपका 10 लाख का आपका टोटल इनकम होना चाहिए। आपको कंपनी कहीं भी इंटरनेशनल लेकर के जाएगी और अगर नहीं लेके जाती तो आपको 50,000 रुपए का आपको नगद आपको ये मिलेगा। ये आपको जो मैंने अभी दिखाया आपसे इसका फोटो ले सकते हैं। आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर ये ओपन है सीएमडी क्लब तक के लिए। तो ऐसा करके सुपर फास्टैग सुपर जबरदस्त इनकम मैं बात करता हूँ यहाँ पर। इसके बेनिफिट्स क्या रहेंगे, तो यहाँ पर उनको हर एक व्यक्ति को 6% का यहाँ पर जो है ना कि उसको कमीशन लेने का मौका मिलेगा, 7 जनरेशन तक उसको इनकम मिलेगा। तो दोस्तों ये था सुपर जबरदस्त फास्टैग। और अगर मैं बात करता हूँ तो नेटसअप के अंदर जिस एक टूल्स के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ते हैं, करियर यहाँ पर हम बनाना चाहते हैं, एक सीडी जो आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, आप गुरुकुल अचीव करें, यहाँ पर आप गुरुकुल अचीव करते हैं तो करीबन 1,000 तक आपका पेआउट यहाँ पर बनता है। आप सुपर ट्रेक लेवल 1 क्लियर करते हैं तो करीबन 3600 रुपए का आपका मंथली इनकम यहाँ से आता है। लेवल 2 पे 6,000 का, लेवल 3 पर 9,000 का। E1 अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपका एवरेज इनकम करीबन 14,000 रुपए का मंथली इनकम आपको यहाँ पर रहने वाला है। E2 के अंदर आपका 17,000 का इनकम, C1 के अंदर 20,000 का, C2 के अंदर आपका 25,000 का। ये जो PP2 रहेगा इसमें 50,000 का, मतलब ये एक आपका लेवल है जहां जहां पर आप पहुंचेंगे, मतलब सफायर प्लेटिनियम डायमंड डबल डायमंड और कैपिंग तक ये एक सफर आप यहाँ पर तय करते हो तो आपका यहाँ पर जब एंट्री लेते हैं तो इस लेवल पर आकर के आपका लगभग इनकम यहाँ से होने वाला है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसके माध्यम से इसको पूरा करना चाहते हैं, इसके लिए कंपनी ने बहुत अच्छा ऑफर यहाँ पर आप लोग कंज्यूमर के लिए दिया हुआ है। कंज्यूमर के ऑफर ये है कि ऑफर के माध्यम से आप अपने टारगेट पूरा कर सकते हैं। 2,000 रुपए के एमआरपी के ऊपर 20% डिस्काउंट है, 6,000 के एमआरपी 25% डिस्काउंट है, 10,000 रुपए के एमआरपी के ऊपर 30% डिस्काउंट ये हमारे कंज्यूमर के लिए रहेगा। इस ऑफर को पकड़ के आप अपना टारगेट पूरा कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जो पाथफाइंडर के माध्यम से नेटसअप के अंदर अपना करियर बना रहे हैं, जिनका फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमारे अलग अलग लोग हैं यहाँ पर, मंजीत जी हैं, सुरेश जी हैं, सुडा जी हैं, झूमर जी हैं, बात करता हूँ यहाँ पर हमारे चंदा मैडम है, ब्राड साहब हैं, बात करता हूँ यहाँ पर ये मेरा फोटो आप देख पा रहे हैं, हमारे दौलत जी हैं, बात कर रहा हूँ कल्याण जी को लेकर के, हमारे बंसी जी हैं, बोमाराम जी हैं और कुलोड़िया सर हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब यहाँ पर एक अच्छा करियर बना रहे हैं, अच्छी इनकम यहाँ से ले रहे हैं। लेकिन ऐसे जबरदस्त डायनेमिक लीडर, और मैं बात करूं राजस्थान जिनके नेतृत्व में आगे बढ़ा है, जिनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ता है और जिनके नेतृत्व में आगे बढ़ता हूं, जिनकी उंगली पकड़ के मैं आगे बढ़ता हूं, ऐसे लोग जब बात करता हूं यहाँ पर हमारे राजस्थान के ओसीएम और बात करूं हमारा नेशनल मेंटोर जिनको आज हम सुनना भी चाहेंगे कि उनके दो विचार आशीर्वाद हम यहाँ पर सुनना चाहेंगे, ये मुकेश सर को मैं यहाँ पर इन्वाइट करना चाहूंगा। आप सब लोगों जबरदस्त तालियों के साथ में, मुकेश सर अगर मेरी आवाज आप तक आ रही हो तो प्लीज आप आइए और हमारे सभी डायरेक्टर आपको सुनना चाहते हैं, आपके आशीष।